your friend you're not okay and tell me what's wrong and why you. मैं हूं तपस्या तिवारी और अभी मैं हूं चांदनी चौक में और आज मैं आप लोग को एक ऐसी चाट खिलाने वाली हूं कि जिसको देख के आपके मुंह में पानी आने वाला है। और भाई साहब ये वीडियो बहुत ही लाजवाब होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं फ्रूट वाली चाट। हाँ, आपके लिए एकदम नई होगी ये, इसीलिए तो मैं इस वीडियो को लेकर आपके तक पहुँचा रही हूँ। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं फुल मेकिंग की वो क्या होती है, कैसी होती है और टेस्ट में एक नंबर होती है कि नहीं। तो आइए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहे, चलिए चलते हैं। अंकल ये कुलिया की चाट क्या होती है? अच्छा, तो आप मेरे लिए बना दीजिए। अंकल ये शॉप कितनी साल पुरानी है? 130 साल पुरानी। 130 साल पुरानी। अच्छा, और ये शॉप देख सकते हैं कितनी छोटी सी, और इतनी छोटी सी शॉप में कितनी सारी वैरायटी है, कितने सारे आइटम है। और ये देखिए हमारी कुलिया की चाट लग रही है। अंकल ये कुलिया की चाट आपने ही स्टार्ट किया था? हाँ जी। ये सोचा कैसे कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? कहते कुल्हड़ होता है छोटा जी, उसमें दूध में काजू बादाम पिस्ता गिरते हैं। हाँ। और इसमें चने अनार मसाला आपका ये आम आ गया, आलू आ गया। तो ऐसे ही आपने सोचा कि फ्रूट को कट करके? हाँ, इसमें पहले सरगंदी में मिला था। ये काफी अलग है चाट, इसमें कुछ भी तेल लिया कोई सामान नहीं होता इसमें। अच्छा अच्छा, इसको लोग पसंद करते हैं कल? वो। और इसकी प्राइस क्या होती है? 100 रुपये। 100 रुपये। जोमाटो से आती है हैदराबाद। अच्छा। बेंगलोर कलकत्ता। अच्छा, यहाँ से जाती है ये? कहाँ? बेंगलोर जाती है और कोलकाता महाराष्ट्र। और ये शुरू से ही बेच रहे हैं कि अभी स्टार्ट किया है आपने? अभी चालू हो रहा है। अच्छा, इसमें केले भी आएगी? 10-15 साल से ऊपर हो गए लगभग। अच्छा अच्छा, पहले आलू चाट होती थी, पावा जी, टिक्की। और ये देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से इसमें सारे फल को कट करके ताकि इसमें फिलिंग को भरी जाए, और इनको रेडी कर रहे हैं प्लेट में। और भाई साहब ये मैं 100% कह सकती हूँ कि ये आपने आज तक नहीं खाई होगी। और देखते हैं ये चाट आपने सुनी भी नहीं होगी, तो कमेंट में जल्दी जल्दी बता दें आप कि आप खाना चाहोगे या नहीं। और इसकी डिमांड एक के बाद एक प्लेट लगी रही है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे और लोग काफ़ी लाइक कर रहे हैं इसको। ठीक है, ये नमक जो था मेन मसाला हमारा। अच्छा, ये मेन मसाला। हाँ, ये लाल पीली मिर्चों का नहीं है, गरम मसाले हैं सब बने हुए। आपके भी सीक्रेट मसाला है क्या? हाँ जी। अच्छा, ये पीली मिर्चें गिरते हैं छोले में और या गोलगप्पे लेते हैं तो यही चलती है उनमें, हम ये नहीं गिरते। ये जीरा पाउडर वो आ गया भी बुरा। ये देखो मैंने ये वीडियो चला रखी है, ये नकल तो करी इन लोगों ने, देखो किस तरह बना रहे हैं और कहाँ से भर रहा है वो। ये इसका ये मसाला मिल गया इसमें, छोले और इसका ये अनार। अच्छा, अनार भी आएंगे ऊपर से। सर ये शॉप किसने स्टार्ट की थी आपने बताया? 130 चौथी पीढ़ी काम कर रही है। अच्छा, हमारे परदादा ने स्टार्ट की थी। ठीक है, आपको ले चाट दी यार। अब इसको
आप दो बारी में खाना एक पीस पे। अच्छा एक पीस को दो बारी में, दो बारी में अगर एक साथ खाए ना वो खाते ज्यादा खाता पड़ेगा। ठीक, अब हम लोग ट्राई करते हैं सबसे पहले एप्पल के साथ। और टेप के साथ जो मसाले हैं उनके फ्लेवर काफ़ी अलग आ रहे हैं और काफ़ी टेस्टी आ रही है। मतलब अगर आपको ऐसे एप्पल खाना नहीं पसंद है तो आप कुलिया की चाट खा सकते हैं और काफ़ी हेल्दी चाट है। अब मैं ट्राई करूंगी अपनी फेवरेट पपीता के साथ और बताती हूँ कि इसके साथ ये कैसा लगता है। सॉरी ये मैंगो था, मैं कंफ्यूज हो गई इतने सारे फ्रूट को देख के। और इसके साथ भी मैंगो के साथ भी फ्लेवर काफ़ी अच्छी आ रही है। अब मैं इसको फिनिश करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें।